अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन विद ग्रेवी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 किलोग्राम चिकन, 4 लार्ज साइज टमाटोज ग्राइंडेड, 2 मीडियम अनियन स्लाइस्ड, 1/4 कप प्योर देसी घी, 2.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 2 स्टिक्स ऑफ सिनेमन, 2 लार्ज साइज ब्लैक कार्डमम, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, फ्यू मिंट लीव्स, 5 ग्रीन चिलीज। सबसे पहले हम ये ब्लैक कार्डमम के सेंटर में ये छुरी की नोक को इंसर्ट करेंगे और उसको इस तरह से थोड़ा सा खोल लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। टमाटर की पेस्ट में मैं ये गार्लिक डाल दूंगी। रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एंड सिनेमन, इनको डाल के मिक्स कर लूंगी। प्याज जो है वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल के एक प्लेट में रख लूंगी। अब बचे हुए घी में मैं ये पेस्ट डालकर इसे फ्राई करूंगी। अब ग्राइंडर में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और उसके साथ ही जो मैंने ब्राउन प्याज करके निकाली थी वो डाल दूंगी और इसे ग्राइंड कर लूंगी। देखिए मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डालूंगी और इसका पानी भी ड्राई करूंगी। देखिए चिकन का वाटर जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं इसको गलाने के लिए 1.5 गिलास वाटर डाल दूंगी। और जो पेस्ट मैंने बनाई थी ऑनियन की वो डाल दूंगी। और ये बड़ी इलायची डाल दूंगी। अब इसे मिक्स करके ढक्कन ढककर उसको कब तक पकाऊंगी जब तक चिकन गल ना जाए। अब देखिए चिकन जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है और इसका शोरबा भी जो है वो भी तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, अब हमारा चिकन विद ग्रेवी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह गरम गरम पराठों, चपातियों और खीरे के सलाद के साथ पेश करेंगी तो ये बहुत मज़ेदार लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।